शरद पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को भगवान रंगमन्नार के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सबसे पहले मंदिर के पश्चिम द्वार पर पूजन हुआ, जिसमें पुरोहित विजय किशोर मिश्र के आचार्यत्व में मंदिर के CEO अनघा श्रीनिवासन और समाज सेवी कपिल देव उपाध्याय ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर के द्वार खुलते ही श्रद्धालु भक्त भगवान रंगनाथ का जय घोष करने लगे, जिससे संपूर्ण परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। एक संकट काल का अवसान का समय है, कोरोना महाकाल, ऐसा इतिहास में ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा। इतने दिन मंदिर बंद रहे, लगभग 7 महीने मंदिर बंद रहे। वृंदावन के ब्रजवासियों की जो कि सारी व्यवस्था इसी मंदिरों के ऊपर आधारित है, उस मंदिर की व्यवस्था का पुनः संचार होगा, पुनः चक्र घूमेगा, ऐसी हमारी आशा है। और सभी तीर्थयात्री जो वृंदावन में आएंगे, रंगनाथ मंदिर का दर्शन करके प्रसन्न चित्त होंगे। जी, लंबे वक्त के बाद आज जब मंदिर खुला है, तो निश्चित तौर पर अपने आराध्य देव के दर्शन करने के बाद जो अनुभूति हो रही है, उसको शब्दों में बता पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इतने आनंद के क्षण हैं कि इतने लंबे समय के बाद हमारे जीवन में पहली बार इतने लंबे समय तक हमें अपने प्रभु से दूर रहने का अवसर ये मिल पाया था। लेकिन उसके बाद आज जब दर्शन हो गए हैं, तो ये लग रहा है कि जीवन में बहुत कुछ आज हमने प्राप्त कर लिया है। COVID-19 नियमानुसार श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया गया। श्रद्धालुओं का मुख्य द्वार पर तापमान नापने के बाद ही प्रवेश दिया गया। बिना मास्क के श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान रंगमन्नार के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। पंजाब केसरी TV के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।